न्यू वीडियो और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसके लिए थैंक यू। सो गाइज, ये वीडियो इतनी ज्यादा एक्साइटिंग इसलिए है बिकॉज इस पूरे वीक 7 डेज के लिए मैं कंटिन्यूसली अपने फेस पे ग्रीन टी आइस क्यूब को रब करने वाली हूँ, देन क्या रिजल्ट आएगा वो हम 7 डेज के बाद देखेंगे। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी आइस क्यूब्स, लाइक ये हमारे फेस के पफिनेस को रिड्यूस करता है, हमारे कॉम्प्लेक्सन को भी लाइटन करता है, हमारे डार्क सर्कल को लाइट करता है, और हमारे पिंपल को भी होने से रोकता है, हमारे एक्ने को भी और ब्रेकआउट्स को भी ये रोकता है। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई भी एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मुझे ये चीज ट्राई नहीं करनी चाहिए थी। दैट्स वाई इतने सारे बेनिफिट्स को देखते हुए मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ। तो होप ये वीडियो देखने के बाद आपको भी काफी सारे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, आप भी इसको जरूर एक बार ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके फेस पे कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला। अभी मैंने अपने फेस पे कोई भी मेकअप नहीं मतलब किया हुआ है बिकॉज मुझे पता था कि मैं अगर आइस क्यूब जो है वो रब करूंगी तो उससे पहले मेरे को अपना मेकअप हटाना पड़ेगा, तो फिर वो अननेसेसरली एक स्टेप मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ता, तो इसीलिए मैंने विदाउट मेकअप अपने फेस को रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे अपना ग्रीन टी आइस क्यूब को रब करूंगी। सो आइस क्यूब अप्लाई करने से पहले मैं अपना डे वन फेस आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे कुछ इस तरीके से ब्लैक हेड्स हैं, यहाँ पे थोड़े से ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, इस साइड भी मेरे को ये छोटे छोटे पिंपल्स देखने को मिल रहे हैं, और मेरी यहाँ की स्किन जो है वो अनइवन है, और मेरे फोरहेड पे भी यहाँ पे भी अनइवन है स्किन। लेट्स सी क्या होने वाला है। आइस क्यूब अप्लाई करने से पहले मैंने अच्छी तरीके से अपने हैंड को वॉश कर लिया है। मैंने यहाँ पे आइस क्यूब ले लिया है, इट्स कोल्ड, इट्स ऑब्वियस बिकॉज आइस है, कोल्ड होगा ही। हमें एक जगह पे इसको रख के नहीं रखना है, इसको कंटिन्यूसली इस तरीके से रोटेट करना, और एक साइड हमें 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना। इट्स रियली वेरी कूल बट इट्स ओके, आई एम डूइंग इट फॉर माई फेस। फोरहेड पे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रहा, बट गाइस ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हो रहा है इस टाइम। ये ऐसा लग रहा है हमारे फेस का सारा जितना भी ये टाइटनेस है ये उसको कम कर रहा है। मेरा फेस अभी से इतने ज़्यादा, आई फील वेरी टाइटन ऑन माई स्किन, बहुत ही ज़्यादा टाइटन हो रही है मेरी फेस, अगर आप देखोगे तो काफ़ी दिख रहा है। अब हम सेकेंड राउंड कर रहे हैं, डीप प्लमिंग कर रहा है मेरे लिप्स को आईज के नीचे। इतना सा क्यूब बचा है, देन मैं इसको ऐसे ही अभी छोड़ दूंगी। आई फील सो रिलैक्सिंग नाउ, मेरी स्किन भी, मुझे अभी एक ही बार आइस क्यूब रब करने के बाद डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, आई एम नॉट लाइंग टू यू गाइज। अब एयर ड्राई हो चुका है मेरा फेस पूरी तरीके से, ये देखिए आप, अच्छे तरीके से एयर ड्राई हो गया। अब मैं इसके बाद, ये मेरा रोज टोनर है, मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, पूरा स्प्रे कर लूँगी। एंड या मेरा टोनर भी मैंने अब यहाँ पे लगा लिया है, हल्के हल्के फिंगर टिप्स के हेल्प से मैंने इसको अपने फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब कर दिया। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू टुमारो, एंड देन हम देखते हैं कि कितना चेंज देखने को मिला। सो गाइज, टुडे इज डे टू, मैं फिर से ग्रीन टी आइस क्यूब को अपने फेस पे रब करने वाली, बट उससे पहले हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस है। यहाँ के थोड़े से पोर्स मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं,
यहाँ की स्किन अगर आप देखोगे हल्की सी लाइटन हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं। और इधर हमने जो पिंपल देखा था, ब्रेकआउट्स थे, वो भी रिड्यूस हुए हैं। डे वन में अच्छा इम्प्रूवमेंट मेरे को दिख रहा है। अभी भी मैंने फेस पे कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, मैंने हैंड को अपने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम ग्रीन टी को अपने फेस पे रब करना स्टार्ट करते हैं। फाइनली अब हम सेकेंड राउंड करेंगे इसे। अब हमने डार्क सर्कल्स पे करेंगे। आई एम फीलिंग रेडनेस ऑन माई फेस हियर। लिप्स इज माई फेवरेट पार्ट। एंड नाउ इट फिनिश। अब ये खत्म हो गया है, ये हो गया हमारा। अब हम इसे फिर से एयर ड्राई होने देंगे। सो गाइज, मेरा फेस कम्प्लीटली एयर ड्राई हो चुका है एंड दिस इज़ माई फेस आफ्टर अप्लाइंग दिस ग्रीन टी आइस क्यूब। अब मैं यहाँ पे टोनर अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। आई थिंक यू शुड ट्राई दिस, रियली वेरी गुड। मेरा फेस इस टाइम इतना अच्छा फील कर रहा है, आप देख सकते हो। सो फिर मैं मिलती हूँ आपसे कल, और फिर हम देखेंगे कि आज जो हमने ये क्यूब को रब किया है इसका असर हमें कल कितना। गाइस, टुडे इज डे 3 और हम फिर से आइस क्यूब को रब करने वाले हैं। स्किन इम्प्रूवमेंट की बात करें तो देखते हैं आज हमारे कितने आए हैं डे 3 में। यहाँ के आप देख रहे होंगे पोर्स दिख नहीं रहे, यही चाहिए था हमें एक्चुअली। पोर्स यहाँ के काफ़ी ज़्यादा बंद हो चुके हैं। स्किन मेरी यहाँ की मेरे को पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डे यहाँ से काफ़ी लाइटन लग रही है और स्किन टोन भी अच्छा हो रहा है, ग्लो अच्छा आ रहा है फेस पे मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं आज के डे का प्रोसेस को। अप्लाई करने से पहले हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ इतना ठंडा ठंडा लगने वाला है। आइस क्यूब से जो मसाले हम करते हैं इसको रब करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना और ना ही एक जगह पे इसको रखना है, हमें इसी तरीके से कंटिन्यूसली इसको रब कर। दिस इज़ वेरी कूल गाइस, बहुत ही ठंडा हो रहा है इस टाइम, मेरा फेस बिल्कुल चिल्ड हो गया है और रेडनेस भी तुरंत आ रही है। बट कोई नहीं, इससे मेरे को 3 डेज में ही काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसको बंद करने वाली हूँ आफ्टर 7 डेज भी। तो अब मैं इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप करूंगी, टोनर को अप्लाई करूंगी पूरे फेस पे। इस पे कभी भी आप अगर आइस क्यूब रब करते हो उसके बाद
आपको टोनर या फिर मॉइस्चराइजर लगाना नहीं भूलना चाहिए। आज का ट्रीटमेंट हमारा हो गया, आज मैंने आइस क्यूब रब कर लिया, उसके बाद टोनर अप्लाई कर लिया। आप मेरी वीडियो को पूरा देखे, 7 डेज में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, आप उसको पूरा फॉलो करें और वीडियो में इसी तरीके से बने रहे। और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। सो गाइज, टुडे इज डे 4 और हम फिर से अपने फेस पे आइस क्यूब को रब करने वाले हैं। और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही जूम करके मैं दिखा रही हूँ, अब मेरे यहाँ पे ओपन पोर्स बिल्कुल भी नहीं है इस साइड पे। अभी मैंने बिल्कुल भी कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, मेरा फेस ऐसे ही है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें आइस क्यूब रब करने से पहले अपने फेस पे कोई भी मेकअप नहीं रखना है। तो हम चलते हैं फिर से अपना आइस क्यूब का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगने लगता है, जब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और टॉलरेबल नहीं है, टॉलरेट नहीं होता। बट मुझे बहुत ही अच्छा मतलब बेनिफिट दिख रहा है इसका, 4 दिन में ही काफ़ी अच्छा मेरे को इम्प्रूवमेंट लग रही है मेरे को मेरे स्किन में। और मुझे लगता है कि गर्मी के टाइम के लिए तो ये बेस्ट है। आप इसको रात को भी कर सकते हो, रात को जैसे इसको लगा के आप अपना ये प्रोसेस करके आराम से टोनर लगा के आपके नाइट क्रीम लगा के सो सकते हो, और भी अच्छा इफेक्ट आएगा क्योंकि आप सन रेज से दूर रहोगे। सबसे फर्स्ट बेनिफिट तो ये हो जाएगा आपको। इसको करते करते देखो फेस पे कितनी अच्छी रेडनेस आ जाती है, ग्लो। हमारे आइस क्यूब का प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि हमारी आइस क्यूब यहाँ पे ख़त्म। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है मेरे यहाँ के एरिया में। मेरा बिल्कुल ये स्किन टोन मैच कर रही है और मेरी यहाँ की भी स्किन लाइट हो रही है। ओवरऑल मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है वो लाइट हो रहा है। मेरा फेस एयर ड्राई हो चुका है, अब मैं अपना टोनर जो है इसको मैं अपने फेस पे स्प्रे करूँगी। टोनर यूज़ करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो टोनर स्प्रे करना है आपको अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करना है, मतलब आइज़ के पास आप स्प्रे ना करें, अदरवाइज आपके आइज़ में इरिटेशन होगी। एंड या इट्स डन, मैंने यहाँ पे टोनर भी अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपने फेस पे अभी कुछ भी नहीं लगाऊंगी, ना मैं इसको क्लीन करूंगी, बिकॉज मुझे कहीं भी जाना नहीं है। तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप मॉइस्चराइजर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो मैं आपको मिलती हूँ कल, इट मीन्स डे 5। सो गाइज, टुडे इज डे 5। अगर हम डे 5 के डिफरेंस की बात करें तो देख सकते हैं, नॉट बैड, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मेरे स्किन पर आ रहा है। तो देन ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के भी आइस क्यूब रबिंग का प्रोसेस। तो हमारा आज का ये प्रोसेस डन हो गया, मैं मिलती हूँ आपसे कल। सो गाइज, टुडे इज डे 6। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का डिफरेंस देख लेते हैं। ये मेरा फेस है विदाउट एनी मेकअप, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आइस क्यूब रब करने से पहले आपके फेस पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। तो हम आज के डे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैं हेयर बैंड भी लेकर आ गई, तो हम हमारे हेयर पे पहले बैंड लगाते हैं, अब हमारे बाल 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 हमारे फेस पे नहीं आएंगे। मैंने यहाँ पे आइस क्यूब ले लिया है, अब आइस क्यूब को मैं अपने फेस पे रब करूँगी। आप में से कितने लोगों ने ये आइस क्यूब पहले रब किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
नेक्स्ट टाइम मैं इसको आइस क्यूब को रब करने से पहले टिश्यू पे लगा के रब करूँगी। मैं देखूँगी कि क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। काफ़ी लोग कहते हैं ना डायरेक्टली हमें अपनी स्किन पे आइस क्यूब को रब नहीं करना चाहिए, तो मैं कल की वीडियो में टिश्यू पे लगा के आइस क्यूब को रब करूँगी। पता नहीं ये प्रॉब्लम जो है, ये जो इतना टप टप टपकता रहता है, शायद से ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। फिर मेरी वीडियो देखने के बाद आइस क्यूब को रब करें तो जिसके भी 7 डेज कंप्लीट हो जाए वो मेरे वीडियो पे आके कमेंट जरूर करें कि हाँ मैंने 7 डेज तक आइस क्यूब को अपने फेस पे रब किया और मुझे ये डिफरेंस देखने को मिला। मैं नेक्स्ट टाइम उसका नाम जरूर लूँगी अपनी वीडियो में कि इन्होंने ट्राई किया और इनको ये फ़र्क देखने को मिला। आइस क्यूब खत्म हो गई। आपको आइस क्यूब कैसे रब करना है इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसको यहाँ पे आपको आई बटन में आपको उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसको जरूर फॉलो करें। उस वीडियो को देखने के बाद आप आइस क्यूब को रब करें। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि आप ग्रीन टी आइस क्यूब कैसे बनाएंगे। तो हमारा डे 6 कंप्लीट हो गया। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे। गाइस टुडे इज डे 7 हमारे ग्रीन टी आइस क्यूब को यूज करते करते। मैं सबसे पहले अपने हेयर पे ये बैंड लगा लेती हूँ, अब मेरे फेस पे बाल नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पे क्यूब पहले ले लिया इस कपड़े में ऐसे करके टिश्यू में रख के मैं अप्लाई करूँगी। मुझे लगता है कि आपको ये रेमेडी घर पे जरूर ट्राई करनी चाहिए कंटिन्यूसली 7 डेज तक। मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। अब मैं इसी तरीके से आइस क्यूब डेली अपने फेस पे अप्लाई करती रहूँगी। हाँ अब वीडियो शूट नहीं करूँगी बिकॉज आज लास्ट डे है, तो मैं इसीलिए आज ये मेरा लास्ट है वीडियो शूट करना, अदरवाइज मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। जो चीज़ हमारे फेस के लिए अच्छी है उसे क्यों नहीं। मेरे ओपन पोर्स यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से क्लोज हो चुके हैं और अगर आप देखोगे तो मेरे यहाँ पे जो फेस पे मार्क हैं वो सारे मार्क भी काफ़ी लाइट हो गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस रिज़ल्ट से। मुझे नहीं पता था ये इतना इफेक्टिव होगा। अगर मुझे पहले पता होता ये इतना इफेक्टिव है तो मैं अब तक इसे ज़रूर ट्राई कर रही होती, बिकॉज काफ़ी जगह पे अगर आप इसके बेनिफिट देखोगे तो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो आइस क्यूब के काफ़ी सारी बुराइयां भी बोलते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आइस क्यूब की कोई भी साइड इफेक्ट होंगे। इवन वो आपके स्किन को काफ़ी कूल डाउन करती है और आपके फेस के सारे स्ट्रेस को भी रिमूव करती है। इसमें कुछ भी मेरे को ऐसा लगा ही नहीं। अब आप देखो मेरे आई बैग्स, मेरे को डार्क सर्कल मेरे बिल्कुल ख़त्म हो गए। अगर एक बार को होता कि हम आइस ना रब कर रहे होते तो हमें लगता है कि हमने मेकअप किया होगा। यहाँ पे मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया, बिल्कुल नेचुरली मेरा फेस काफ़ी ग्लोइंग हो चुका है। हमेशा खुश रहो, हमेशा अच्छा रहो और हमेशा अपने फेस की केयर करते रहो। कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छा दिखने से। सो गाइस मैंने आइस रब कर लिया अपने फेस पे और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है मेरे को आइस रब करने के बाद इस तरीके से अपने फेस पे। मैं इसको एयर ड्राई होने दूंगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टोनर, और इसी के साथ हमारा ये 7 डे ग्रीन टी आइस क्यूब रब करने का प्रोसेस खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है गाइस, कंटिन्यूसली 7 डेज तक मैं ग्रीन टी आइस क्यूब को अपने फेस पे रब किया। मैंने आपको पूरा ट्रू रिजल्ट दिखाया। कैमरे में मैंने बिल्कुल सही चीज मैंने रिकॉर्ड करी, कुछ भी मैंने इसमें गलत नहीं दिखाया। आप लोगों के सामने डे 1 से मैंने स्टार्ट किया, आज डे 7 कम्प्लीट हो गया और आप विजिबली यहाँ पे खुद ही रिजल्ट देख सकते हो। इसमें कोई झूठ या फिर बताने वाली बात नहीं है बिकॉज डे 1 से लेके आप अब तक मेरे साथ हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टा का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू।